14 तक साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। इसी तरह cos 10 में ये हो चुका है, अब बच गया है साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री। इससे आगे cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, लास्ट में बतलाएंगे साइन 90 डिग्री के बारे में। अगर मान लो साइन 0 डिग्री दिया हुआ है, जैसे मान लो एक बात तुम लोगों को बतलाए थे, मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसका काम आएगा, लेकिन ये किताब में नहीं है, कहीं भी खोजने पर नहीं मिलेगा। ये निश्चित तौर पर समकोण त्रिभुज हो गया जी। तो इस कोण का मान कुछ न कुछ तो होगा जी। मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि ये 90 है ही, ये 90 होगा तो ये सीधी सरल रेखा नहीं हो जाएगा लंब, तब ये त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री से पहले यानी 89 डिग्री तक का ये कोण हो सकता है, तब न दो न्यून कोणों का योग समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री। तो मान लेते हैं ये कोण तुमको 40 डिग्री का है, इसका मतलब ये कोण कितना का है, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री मीन्स 50 डिग्री। 40 डिग्री के लिए ये लंब हुआ जी, और 40 डिग्री के लिए ये आधार हुआ जी, ये तो कर्ण है। तो इस चित्र को ध्यान से देखने के बाद अब इस चित्र पर गौर करो, तो ये कोण कुछ न कुछ तो मान है जी। अगर हम ये कोण इसको अल्फा मान ले, 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा जी। अल्फा का मान अगर 1 डिग्री होगा तो ये 90 माइनस 89 डिग्री होगा। तो अगर कोण को छोटा करेंगे, अगर ये 60 डिग्री का ही है तो ये 30 डिग्री होगा ना जी। तो 60 डिग्री से छोटा कोण बनाएंगे तो ये हुआ जी। तो ये कोण मान लेते हैं तुमको ये पूरा है 60, तो सिर्फ इतना मतलब इतना ये कोण छोटा हो गया, यानी ये कोण तो 60 डिग्री से छोटा कुछ तो होगा, तो मान लेते हैं ये हो गया तुमको 20 डिग्री, ये कोण इतना बड़ा कोण, इससे भी छोटा बनाओगे तो ये और छोटा हो गया जी। 20 डिग्री से कम मान लो 15 डिग्री। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री तो यहाँ देखो नहीं घट रहा है, लेकिन हम कोण को न्यून कोण को छोटा करते जाते हैं। तो एक चीज ध्यान से देखो तो ये लंब भी छोटा होता जा रहा है जी। अगर कोण पूरा पूरी ये बड़ा कोण है 60 डिग्री का ये पूरा, तो जब 60 डिग्री का कोण है इतना बड़ा, तो देखो लंब इतना बड़ा हुआ, कोण को हम छोटा किए 60 डिग्री से 20 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया जी। तब तो इसमें देखो लंब छोटा हो गया जी। और छोटा किए कोण को हम 15 डिग्री कर दिए, तो लंब मात्र ए ई रहा, ये नया समकोण छोटा समकोण त्रिभुज बना। 90 डिग्री का कोण हमेशा ये रहेगा ही रहेगा ना, लेकिन न्यून कोण को जब हम घटाते हैं 60 डिग्री करते हैं, जब 60 डिग्री था तो ये मान लो इतना बड़ा लंब था, ये मान लेते हैं 20 मीटर है मान लेते हैं, और 60 डिग्री से कोण हम छोटा किए इतना ही लिए, तो ये कोण मान लो 20 डिग्री है, तो अब नया समकोण त्रिभुज क्या बना, समकोण त्रिभुज ए डी बी, आधार वही है ना जी। कोण छोटा किए तो देखो इतना लंब कट गया,
60 डिग्री में इतना लंब कट गया जी। यानी कोण को छोटा करते हैं तो उसी न्यून कोण के लिए लंब की लंबाई घटती जा रही है। मान लो हम ये न्यून कोण को 15 डिग्री ये कर दिए तो अब नया लंब जो होगा मात्र यहाँ से यहाँ तक रह गया, इतना ही रह गया ना ये नया समकोण त्रिभुज में जी। तो न्यून कोण घटाते जाते हैं तो उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा यानी लंब की लंबाई घट रही है जी। जब मान लो एक डिग्री ले आएंगे, मान लेते हैं 1 डिग्री है, तब देखो तो ये तो 90 डिग्री है ही है ना जी। 1 डिग्री है यानी ये न्यून कोण 89 डिग्री है, लेकिन लंब इतना ही रह गया, मात्र इतना बड़ा लंब रह गया। यहाँ से ऐसे देखो तो कुछ निष्कर्ष निकलता है, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण को कम किया जाए तो लंब की लंबाई भी घटती जाती है, लेकिन आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आधार तो हमेशा ए बी ही है, लंब बड़ा था तो कोण छोटा किए तो लंब छोटा हो गया, समझ रहे हो बात को जी। फिर कोण को और छोटा किए तो लंब और छोटा हो गया। इसी तरह मान लो अगर हम ये मान लेते हैं फिलहाल 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री का नाम दे दिए अल्फा, तो अल्फा कोण को छोटा करेंगे, न्यून कोण अल्फा को छोटा करते करते अगर अल्फा को 60 डिग्री से हम घटा करके अल्फा को 0 डिग्री कर दे तब लंब क्या होगा, तो ये कोण जैसे अल्फा 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री कुछ तो होगा, तो लंब को लंब की लंबाई न्यून कोण को घटाने पर ये लंब की लंबाई घटती जाती है, ऐसी बात है। अल्फा का मान अगर 0 हो जाएगा तो अल्फा का मान 0 कब होगा, तो ये कर्ण है ना, कर्ण देखो आधार की ओर झुकता है तो कोण घट रहा है, कट जाता है ऊपर से तो इसका मतलब कम हो रहा है। ये कर्ण कल्पना करो ये आधार पर जब आ जाएगा तब कोण बनेगा नहीं बनेगा, इसका मतलब 0 डिग्री का ये अति लीड कलम लो तो जैसे ये कर्ण है न जी, ध्यान से देखो ये कर्ण है तब ये अल्फा कोण बन रहा है, कर्ण को आधार की ओर अल्फा कोण के लिए ये लंब ये आधार है। कर्ण को अगर हम आधार की ओर लाते हैं तो देखो ये कोण कट गया जी, कोण भी छोटा होगा, अल्फा का मान छोटा होता जाएगा जी। जब ये कर्ण एक समय मान लो यहाँ आ गया तो देखो मान लो ये 1 डिग्री है, जब आधार पर कर्ण आ गया बिल्कुल तो कर्ण पूरा आधार पर जब आ जाएगा तो न्यून कोण 0 डिग्री बनेगा, और आधार पर ये कर्ण लेट जाएगा तो लंब उड़ जाएगा यानी गोल हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी लंब की लंबाई 0 होगा। तो समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण को अगर हम घटाते जाते हैं तो ऐसी स्थिति में लंब की लंबाई भी कम होती जाती है, और एक समय आता है जब कर्ण आधार पर आ जाता है तो ये कोण भी नहीं बनता है, न्यून कोण का मान 0 डिग्री हो जाता है और लंब भी लंब गायब हो जाता है यानी घटते घटते 0 हो जाता है जी। इस निष्कर्ष को समझा जी। तो इस पर तू लोग एक क्वेश्चन लिखो, इसके बाद जो है एक बनावटा करके तीसरे पृष्ठ से लिखो, तो मतलब ये पंक्ति इसको समझ गया ना, जब किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण को कम किया जाए ऐसी हालत में लंब की लंबाई घटती जाती है, एवं जब न्यून कोण 0 हो जाएगा तो लंब की लंबाई भी 0 हो जाएगा, इस बात को समझ गया। चलो लिखो तो
देखो ये इसको भीविया मार लो, इसको समझने पर तुम ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझोगे। इसको तू लोग समझा, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का प्रभाव लंब और आधार पर किस तरह पड़ता है। न्यून कोण के प्रभाव का अर्थ हुआ अगर हम न्यून कोण को घटावे या बढ़ावे, बढ़ावे का मतलब 90 डिग्री तक ले जाए, 89 डिग्री तक, हटाने का मतलब 89 डिग्री से 0 डिग्री तक लावे। तो न्यून कोण के प्रभाव का अर्थ यही हुआ, लंब और आधार पर किस तरह पड़ता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का मान कम करने पर उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा की लंबाई भी कम होती जाती है, बतला दिया है ना। और जब हम उस न्यून कोण को 0 डिग्री कर देते हैं तो उस न्यून कोण के सामने की भुजा अर्थात लंब, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब भी 0 हो जाता है। बात सही है जी। लेकिन आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका उल्टा याद नहीं रहेगा। जब न्यून कोण को घटाएंगे तो लंब की लंबाई घटेगी, उसके विपरीत सोचो तो। चलो समझो इसके बाद उदाहरण। ये न्यून कोण PQR कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण R कुछ डिग्री होगा, मान लेते हैं अल्फा है। तो अल्फा को अगर हम घटाएंगे तो लंब की लंबाई भी घटेगी। इसका ठीक उल्टा, अल्फा का मान बढ़ाते जाएंगे तो लंब की लंबाई बढ़ेगी जी। कैसे? ये मान लो 2 डिग्री है, यहाँ से लंब खींचे ये भी लंब, ये 90 डिग्री जी। ये समकोण त्रिभुज है जी, जी। त्रिभुज ए बी सी का कोण ए 90 डिग्री है जी। इसलिए यह समकोण त्रिभुज है जी। ये न्यून कोण 2 डिग्री है जी। है ना।
तो 2 डिग्री के सामने वाली भुजा ए भी लंब होगा जी। अगर मान लो कोण बढ़ाएंगे 2 डिग्री में 3 डिग्री जोड़ेंगे, ये कोण 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 और 3 5 समझी जी, बात जी। तो ये 3 डिग्री तो जमा ये हो गया 3 डिग्री मतलब इतना, तो 2 और 3 5 बढ़ाओ आगे की ओर जब बढ़ाएंगे जी। मान लो जी अब नया समकोण त्रिभुज कौन सा बना ABC, तो 2 डिग्री के लिए लंब हुआ तुमको इस समकोण त्रिभुज में AB जी, और 2 और 3 5 अब ये जमा कोण 5 डिग्री हुआ जी। तो 2 डिग्री से 5 डिग्री किए तो नया समकोण त्रिभुज बन गया त्रिभुज ABC, तो 2 डिग्री से 5 डिग्री किए तो अब ये 5 डिग्री के सामने वाली भुजा ये DA भुजा हो गई जी। तो देखो तो अब लंब बड़ा हो गया जी। तो इसका मतलब न्यून कोण को जब हम घटाएंगे तो लंब की लंबाई घटेगी जी। और जब कर्ण आधार पर आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में न्यून कोण का मान 0 डिग्री होगा और लंब भी 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण को अगर बढ़ाया जाए तो लंब की लंबाई भी बढ़ती चली जाएगी। आधार देखो यही है जी। आधार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये न्यून कोण किस चीज में परिवर्तन ला रहा है? लंब में, न्यून कोण के बढ़ने से समकोण त्रिभुज में तो उसके सामने वाली भुजा जो लंब कहलाती है उसका भी मान बढ़ता है। न्यून कोण को घटने से उसके सामने वाली भुजा जो लंब कहलाता है उसका भी मान घटता है। तो इतनी बात को समझ गया तो अब फिगर बना लो खाली, उसमें ये भी बात लिख देना है, न्यून कोण घटने वाली बात लिखे, अब बढ़ने वाली लिखो तो ऐसे लिखो पुनः दो बीच में फिर नीचे से Thank you.
तू लोग इतनी बात को समझ गया ना? जी। और जब न्यून कोण का मान बढ़ेगा समकोण त्रिभुज में तो लंब की लंबाई बढ़ेगी, और न्यून कोण का मान घटेगा तो लंब की लंबाई घटेगी। जी। इस चित्र को बना लिया, इसकी व्याख्या हम अगले पाठ में करेंगे। जी।